भाजपाइयों ने मनाया काला दिवस। भारत के इतिहास में 25 जून का दिन एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल लगा था, जिसमें चाहे वो पत्रकार हो या कोई सामाजिक लोग हो या सरकार के खिलाफ बोलने वाले हों, उनको जेल में डाल दिया गया। जिसे लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है, आज का दिन काला दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थ के लिए आपातकाल लागू किया था और लोगों के हितों का हरण हुआ था, जिसे लेकर आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए, जिससे कि भारतवर्ष विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। किस महीने ये कार्य लगा रहा, इमरजेंसी लगाई रखी और सत्ता में बैठे रहे, तो क्या इस तरीके का दुरुपयोग कांग्रेस सरकार ने उस वक्त किया, तो उसके उसमें हम लोग इस काला दिवस को मनाते हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी देश के साथ बहुत बड़ा छलावा था, तो उसको हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम इस दिवस को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस द्वारा अपने निजी स्वार्थ को और सत्ता में बनाए रहने के लिए उन्होंने जो है इमरजेंसी लागू की, लोगों को हितों को नज़रअंदाज किया। इसलिए आने वाली पीढ़ी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता की राजनीति की है, उन्होंने कभी समाज की और सेवा की राजनीति नहीं की।